अक्टूबर की सुबह इसराइल पर हमास के 5000 बम रॉकेट द्वारा किए गए हमले में अब तक दोनों तरफ से करीब 3200 लोगों की मौत तथा 4.3 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। इसके जवाबी कार्रवाई में इसराइल भी लगातार हमास पर हमले कर रहा है। जी हाँ, इसराइल ने जवाबी हमले को लेकर गाजा पट्टी के पास अपने टैंक तैयार कर दिए हैं। आपको बता दें कि इसराइल ने जवाब देते हुए हमास के खिलाफ गाजा पर सॉर्ट्स ऑफ आयरन नाम का अभियान शुरू किया है। वहीं इस जमीनी हमले को लेकर गाजा के उत्तरी हिस्सों में रह रहे 11 लाख फिलिस्तीन नागरिकों को 24 घंटों के भीतर इलाका खाली करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि इससे पहले कभी भी गाजा पट्टी पर इस तरह का कोई भी हमले को लेकर अंजाम नहीं दिया गया, लेकिन अब इन सब के बावजूद बीते कुछ सालों में हमास ने कई अरब देशों की मदद से अपनी ताकत बढ़ाते हुए कई ताकतवर संगठन जैसे लेबनान और हिजबुल्ला से धन और प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसी के साथ हमास के पास एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी मौजूद हैं। वहीं हमास के 40,000 मजबूत सैन्य विंग के बीच एक नौसैनिक कमांडो इकाई भी मौजूद है। देखा जाए तो साल 2014 में गाजा शहर के उत्तरी हिस्सों में इजराइल और हमास के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। उस युद्ध के दौरान एंटी टैंक माइंस और स्पाइन पर्स और हमास के लड़ाकों से लड़ाई में इजराइल की पैदल सेना को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। वही दोनों के बीच हुई उस हिंसक झड़प में सैकड़ों आम नागरिक मारे गए थे। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि शनिवार को इसराइल के खिलाफ हुए हमास के बर्बर हमले में अब तक 1300 नागरिकों की मौत हो चुकी है, साथ ही 150 नागरिकों को बंधक बना लिया गया। वहीं इस हमले को लेकर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास के हर सदस्य को हम खत्म करेंगे। वहीं इसराइली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ हरेली हवेली ने बयान देते हुए हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खाई है।